एक दिन काले खां के मन में आया, ये हिंदुओं का जो खुदा है ये कैसा लगता है देखने में, चलो इसको जाके देख ही लो। पर हमारे समाज है, हमारी कुछ हमारे पैरों में बेड़ियां बंधी हुई हैं, कहीं कहीं अधिकार है कहीं नहीं है। अंदर जाने का प्रयास किया तो मंदिर में नहीं जाने दिया, तो उसने विचार बनाया मंदिर में कैसे जाया जाता है, तो उसने भेष बदला, पीले पीले वस्त्र पहने और जाने लगा। काले खाने भी क्या किया, चप्पलों को लिया, कांख में दबाया, पहुंच गया। जैसे ही मदन मोहन जी के पट खुले, और स्वाभाविक है पट खोलते हैं तो सब लोग हाथ जोड़ करके बोलते हैं जय जय श्री राधे। जैसे ही जय जय श्री राधे कहा और वो कांख में से चप्पल नीचे गिरी, पुजारियों ने देख लिया, अरे ये तो विधर्मी आ गया, दो चार डंडे मारा, उसको भगाया, बाहर आ गया। लेकिन उसने मदन मोहन जी की एक झलक देख ली, एक झलक, मदन मोहन जी के रूप का दीवाना हो गया। कई बार प्रयास किया और जाऊं और जाऊं और जाऊं और जाऊं, पर जा नहीं पाए। भैया ये हमारा ठाकुर है ही ऐसा, है ही ऐसा, एक बार जो इसे देख ले वो फिर दुनिया का नहीं रहता, रह ही नहीं सकता। एक बार इसे निहार ले बस। पर उसने नियम बना लिया, जीवन में नियम होना बहुत जरूरी है, चाहे वो नियम केवल दो बार शिव नाम लेने का ही क्यों ना हो। मैं कुछ नहीं करूंगा, केवल हाथ जोड़कर भगवान के पास जाके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पर प्राण चले जाएं, नियम नहीं टूटना चाहिए। हम लोग कभी कभी इतने उदार बन जाते हैं, महाराज जी से कथा सुनिए, हमने 7 दिन 8 दिन, अब तो हम शंकर जी रोज जाएंगे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, और धीरे 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 ये भक्ति मरकट बैराग्य की तरह, मरकट बैराग जानते हैं, जब कोई मर जाता है तो लोग पीछे पीछे जाते हैं, क्या कहते हैं, अरे संसार में कुछ नहीं रखा है, जैसे ये देखो कितना हाय 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 करता और चला गया, कुछ नहीं रखा है संसार में। एक दिन सबको राख होना है 2 मुट्ठी, सब पीछे यही विचार करते जाते हैं, और उसको विदा करके लौट के आके दुकान पे 2 रुपए के 2 की 4 बेचते हैं। ये मरकट वैराग्य है, क्षणिक वर्ग का वैराग्य हुआ। जीवन में नियम बहुत जरूरी है। काले खां ने नियम बना लिया कि अंदर ना जाऊं पाऊं तो कोई बात नहीं, कर कम से कम मैं दरवाजे पे हाजिरी तो लगा सकता हूं, रोज दरवाजे पे जाए और जाकर के कहे मदन मोहन काले खां हाजिर है, रोज इतना सा नियम, और दिन भर मस्ती में रहे। और हम कहते हैं जिसने अपने जीवन में नियम बनाया, कोई भी नियम, और उसका नियम सद जाए तो उसको फिर अपने आप में खालीपन नहीं लगता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा लगता है मेरा काम पूरा हो गया। आप उदाहरण से देखो, जैसे माताओं का काम होता है ना, सुबह सुबह तुलसी में जल देना है ना, सूर्य को जल देती है माताएं, अगर कदाचित सुबह लेट हो जाए जागने में और पति बच्चों की सेवा में लगने में उसको भूल जाए, तो उस दिन उनको ऐसा लगता है कि आज कुछ नहीं, ऐसा कोई तो बड़ा काम छूट गया, ऐसा महसूस होता है उनको, क्योंकि उनका नियम जो था वो आगे पीछे डगमगा गया। जीवन में नियम बहुत जरूरी है। काले खां रोज जाए और जाकर कहे मदन मोहन काले खां हाजिर है। लेकिन भैया ये उम्र है, एक दिन तो ढलती है, ढलते ढलते उसको बुढ़ापा आया और मदन मोहन के दरवाजे जाना बंद नहीं किया, कहा मदन मोहन काले कहां हाजिर है, मदन मोहन काले कहां हाजिर है। एक समय वो आया कि वो बात पित्त कब से वो घिर गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, कंठ घुरघुराए थे हो गया, पर मदन मोहन काले कहां हाजिर है नहीं छोड़ा, गिरता लाठी से उड़ता बैठता जाता पर मदन मोहन की हाजिरी लगाता। जब अंतिम समय आया उसका, अंतिम समय, उस समय उसके उठा नहीं जाए सैया से, ऐसा लगता था कि प्राण आज ही निकल जाएंगे, उसकी नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी, प्राण जाए तो जाए पर मेरा नियम नहीं टूट जाए, आज मेरी गैर हाजिरी लग जाएगी मदन मोहन के द्वारे पर,
मन में इतनी बेचैनी, मन में इतनी भगवान से मिलन की उत्कंठा उदय हुई। उसी समय आकाश में बिजली चमकी, मेघ मलार चमकने लगी, मंदिर की घंटियां बजने लगी, मंदिर के पट खुले और काले खां के दरवाजे पर आवाज आई। काले खां आज मदन मोहन तेरे दरवाजे पर हाजिर है। ये भक्ति है। काले खां के दरवाजे पर आवाज आई, काले खां आज मदन मोहन तेरे दरवाजे पर हाजिर है।